मेरा ये दिक्कत है कि दिन भर में 4-5 साल मेरा हाथ मनसम हो जाता है। मैं तुम करते 4-5 बार हो जाता है। और भाई कब से कर रहे हैं आप इसको? 3-4 साल लगभग हो गया है। और भैया फिर अब क्या समस्या हो गई है आपको? समस्या ये हो गया कि घर पे शादी ब्याह कुछ हो ना रहा है, मेरा देह बन नहीं रहा है। दोस्तों ये वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर उस बंदे के लिए जो कि गलत आदतों में पड़ गया है। गलत आदत का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे भाई मेरे पास आते भी हैं कि वो हस्त मैथुन के आदी हो चुके हैं, ये गंदी गंदी वीडियोस देखकर और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, तो मास्टरबेशन की लत लग गई है और शरीर हो गया है दुबला पतला, उभर नहीं रहा है शरीर। इसी समस्या के साथ यहां हमारे भैया आए हैं और सबसे पहले भैया का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो बनाने के लिए एग्री हो गए, वरना हर कोई एग्री नहीं होता। पर भाई ने बोला कि भैया मैं फेस कवर करना चाहूंगा। मैंने कोई बात नहीं भाई, अब फेस कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सबसे पहले भैया को लेते हैं इंट्रोडक्शन और जानते हैं इनको क्या समस्या है और कैसे ये दुबले पतले मतलब क्या हुआ, जान लो भाई, भाई के मुंह से जानते हैं। ये नाम आपका? जी नाम मेरा अभिषेक सिंह पड़ेगा जी। कहाँ से हैं आप? एमपी से हैं। एमपी में कहाँ से? झांसी जिला। अब आप झांसी एमपी से सीधा आ रहे हैं यहाँ पे? जी यहाँ पर आए आपका वीडियो देखकर यूट्यूब पर वीडियो देखिए आपने? यूट्यूब पर वीडियो देखे, पता लगा तो आपके पास हम चले आए। अभिषेक भाई क्या दिक्कत है? मेरा ये दिक्कत है कि दिन भर में 4-5 साल मेरा हाथ मनसम हो जाता है। मैं तुम करते हैं 4-5 बार हो जाता है। और भाई कब से कर रहे हैं आप इसको? 3-4 साल लगभग हो गया है। 3-4 साल हो गए हैं। और भैया फिर अब क्या समस्या हो गई है आपको? समस्या ये हो गया कि घर पे शादी ब्याह कुछ हो ना रहा है, मेरा देह बन नहीं रहा है। दुबले पतले हैं। कितना वजन है आपका? 43 किलो वजन है अभी। 43 किलो वजन है इनका, दुबला पतला शरीर है, शादी ब्याह में भी रुकावट आ रही है भैया को। तो भैया ने अब क्या सप्लीमेंट लिया है? भैया सबसे पहले तो आप मुझसे वादा करो कि आप ये हस्त मैथुन की आदत छोड़ देंगे। हाँ आदत छोड़ देंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। पक्की बात है। और आप मतलब जो हस्त मैथुन क्या ये मतलब जो गंदी वीडियोस देख वगैरह ऐसे ऐसे करते हो, मतलब कैसे करते हो? ऐसे नहीं करते हैं, कुछ भी थोड़ा माइंड में आता है तो उसी के सोच कर हो जाता है। सुन लो यहाँ पर भैया बता भी रहे हैं कैसे करते हैं, तो भैया आप मत करना, इस आदत के चक्कर में आप बहुत कुछ खो दोगे। दोस्तों हस्त मैथुन करना सही है या गलत इस पे मैं नहीं बात करूंगा, ये किसी की भी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर हस्त मैथुन की आदत डालना, आदत लग जाना, लत लग जाना, ये गलत है, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। तो आप जो है ये काम आज से ही बंद कर दे। और हाँ मैं ये भी जरूर मानता हूं कि हस्त मैथुन के करने से ना तो कोई मोटा होता है ना कोई पतला होता है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि हस्त मैथुन की अगर आपको आदत है, वो भी ऐसी कि 4-5 बार दिन में आप कर रहे हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारे विकार जरूर आ जाएंगे, ये गारंटी के साथ है। गूगल पे पढ़ लिया आपने कि भैया हस्त मैथुन करने से कुछ नहीं होता, इससे तो उल्टा जो है रिलैक्स होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है ना अभिषेक? एकदम गलत है भैया, कमजोरी उत्पन्न हो रहा है हमको जी, कमजोरी इनको हो रही है। अब भैया का वजन 43 किलो, कैसे बढ़ेगा इनका वजन? कितना का वजन करना चाहते हैं आप भैया? इतना हो जाए मेरा 50 किलो ऊपर करना चाहते हैं। 50 से ऊपर? मैं भैया का वजन 60 से ऊपर करा कर रहूंगा कि भैया का शरीर थोड़ा सा हट्टा कट्टा हो जाए। जब शरीर हट्टा कट्टा हो जाएगा, मानते हैं कि आपका रिश्ता भी हो जाएगा। हाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा, रिश्ता भी हो जाएगा, तो भैया को कोई भी देखने आता है कहता है यार दुबला पतला इसमें कुछ है ही नहीं शरीर में, तो इसलिए भैया जो है अपने जो है रिश्ते भी नहीं करवा पा रहे हैं। मैं रिश्ता तो नहीं करवा सकता, पर इनको मोटा तगड़ा जरूर कर सकता हूँ। मोटा तगड़े जब हो जाएंगे भाई रिश्ता भी अपने आप हो जाएगा। तो भाई आपने अगर ये आदत डाल ली है हस्त मैथुन की, तो आज ही इस आदत को सबसे पहले छोड़ दो, ये गंदी आदत आपको ले डूबेगी। अपने आप को व्यस्त रखो। कैसे इसको छोड़ सकते हैं भाई? छोड़ने का सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि आप हाथों में हथकड़ी पहन लेंगे इसे हाथ रुक जाए कच्चे में जाने से, नहीं भाई, इसको छोड़ने का सिंपल तरीका है कि अपने आप को व्यस्त रखो, कोई काम ढूंढो अपनी लाइफ में, रात को ये मोबाइल चलाना बंद करो और कोई गोल फिक्स करो अपनी लाइफ में यार करने का, कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये जॉब लेनी है, फिर मुझे ऐसा शरीर बनाना है, जिम ज्वाइन करो। अपने आप को व्यस्त रखेंगे, दिमाग को व्यस्त रखेंगे, तो आपकी आदत जरूर छूट जाएगी। और अगर आपका दुबला पतला शरीर है, खाया पिया आपको लगता नहीं है, आप मोटे तगड़े होना चाह रहे हैं, और चाहे आप कैसे भी दुबले पतले हैं, जरूरी नहीं कि हस्त मैथुन की वजह से आप दुबले पतले हैं, वैसे भी नॉर्मली भी दुबले पतले हैं, आप मोटा तगड़ा होना चाह रहे हैं, तो आपको लेना है पावर मास गेनर, जो भैया ने भी लिया है। ये पावर मास गेनर का बाल्टा 6 किलो का बाल्टा है, 8 से 10 किलो वजन आपका बढ़ाएगा। जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। अभी इनका वजन 43 किलो है, इनका वजन बड़े प्यार से हो जाएगा 53 किलो के आसपास, हो सकता है 52, हो सकता है 54। डाइट अच्छी लेंगे तो 55 भी हो जाएगा। और भाई डाइट तो अच्छी लोगे ना? हाँ भैया डाइट अच्छी लेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, बाकी पीछा मैं इनका छोड़ूंगा नहीं। तो आप भी अगर दुबले पतले हैं, आपके अंदर भी ये गंदी आदत है, शरीर में कमजोरी आ गई है, शरीर आपका उभर नहीं रहा है, तो बाल्टा पावर मास गेनर का ऑर्डर करो सप्लीमेंट्स विला से, 5600 रुपए का। कैसे इसको खाना है इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, साइड में वीडियो चल रही है देखो। और इस तरीके की वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, एक भाई मेरे पास 1 साल पहले आया था फरीदाबाद
आवाज से उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी और उसका भी वजन बढ़ गया है, उसको भी 12 किलो वजन बढ़ा है। वो भैया ने मुझे बहुत पहले प्रॉमिस कर रखा है, भैया जब भी मैं आऊंगा दोबारा वीडियो बनवाऊंगा, वो भाई का चक्कर ही नहीं लग पा रहा है। भैया से मैं प्रॉमिस ले लेता हूं, भैया आप तो जरूर आओगे ना वीडियो बनवाने, वजन बढ़ जाएगा। जब वजन बढ़ जाएगा तो हम आके आपके पास वीडियो बनवाएंगे भैया। पक्की बात है ना? पक्की बात है भैया। तो भैया वीडियो बनवाएंगे जरूर, तो भैया आप भी आओ। सप्लीमेंट्स मिला, आप अक्सर कहते हैं भैया पावर मास गिनरी आप सबको क्यों देते हैं, क्या ऑन सीरियस मास अच्छा नहीं है, क्या लवराड़ा अच्छा नहीं है? मैंने कब कहा अच्छे नहीं है? अगर अच्छे नहीं होते तो सप्लीमेंट सलाह पर नहीं मिलते, सप्लीमेंट सलाह पर अवेलेबल है। पर दोस्तों सबसे अच्छे रिजल्ट किसके हैं? वो है पावर मास गेनर के, इसलिए मैं सबको पावर मास गेनर दे रहा हूँ। रिजल्ट वाली बहुत सारी वीडियोस हैं, वो साइड में चल भी रही हैं, वो आप देख भी सकते हो। आपको पता लगेगा कि पावर मास गेनर इंडिया का नंबर वन मास गेनर कैसे बन गया, क्योंकि 90% प्लस पॉजिटिव रिव्यूज है। मतलब 100 लोग इसको खा रहे हैं तो 90 लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप भी लीजिए पावर मास गेनर 8 से 10 किलो वजन बढ़ाने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो ऑर्डर करो पावर मास गेनर सिर्फ 5600 रुपए में। तो ये आदत तो ये छोड़ ही देंगे, तो आप भी ये आदत छोड़ दो आज से और अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, और ये आपको मिलेगा बिल्कुल ओरिजिनल जीएसटी बिल के साथ में। तो दोस्तों ये जीएसटी बिल और यहां पर ये शेकर टी शर्ट लोअर, ये सप्लीमेंट्स विला की तरफ से भाई को गिफ्ट है। अब यहाँ देखे तो भैया देखो इतनी दूर से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, झांसी से। भाई मेरे हिसाब से आने जाने में 1500 खर्च हो जाएंगे। हाँ 2000 रुपए खर्च लग गया था भैया जी, 2000 रुपए खर्च करके आए हैं स्पेशली एक विश्वास से कि सप्लीमेंट्स विला पर मेरा दुबला पतलापन दूर हो जाएगा, और मैं भैया से वादा कर रहा हूँ कि इनका दुबला पतलापन दूर करके रहूंगा। अब यहाँ देखे तो जीएसटी बिल जिसके ऊपर भैया ने नो डाउट 800,000 का टैक्स भी पे किया भैया, 18% टैक्सेस के ऊपर, पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा? जहाँ सेहत का सवाल है भैया, क्या पैसा देखना चाहिए? नहीं भैया पैसा नहीं देखना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए, सेहत देखो यार। और भैया आपने वो चूरन चटनी तो खाई? कुछ नहीं खाए, पहले यही देखे तो बोले पहले भैया से भेंट करेंगे, इसके बाद हम उनसे लेंगे। लेना है तो सीधा सप्लीमेंट्स लाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भैया ने वो चूरन चटनी के चक्कर में ना पड़े, सीधे सप्लीमेंट्स ला, वरना लीवर किडनी ले बैठते हैं वो। एक मध्य प्रदेश में ग्वालियर जब मैं आउटलेट गया था, वहां पर एक वीडियो बनाई थी, एक भाई की डेथ भी हो गई, उनके लीवर किडनी फेल हो गए थे वो चूरन चटनी से। वो वीडियो आप देखो जाकर, आपको पता लगेगा। तो इसलिए वो चूरन चटनी मत खाओ, पावर मास गेनर खाओ अपने शरीर को हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा करने के लिए। तो भैया ऑर्डर करो इसका। और हाँ, ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने बच्चे पर ध्यान रखो। आपका बच्चा भी अगर दुबला पतला है तो वो कहीं कोई गलत चीज तो नहीं खाने लगा इधर उधर से लेके? अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है भेजो उसको जिम, पर उसको ये ध्यान रखो कि वो सप्लीमेंट ओरिजिनल खाए और सप्लीमेंट्स उला से ले, क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का कभी कोई नुकसान नहीं होता। और आप मुझसे अक्सर कहते हैं कि भैया मेरे पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, तो ये वीडियो दिखाओ अपने मम्मी पापा को। मैं वादा कर रहा हूं आपके मम्मी पापा से, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप अपने बच्चे को सीधा भेजो सप्लीमेंट्स ला, उसको वजन बढ़ाना है, वजन घटाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कुछ भी सप्लीमेंट चाहिए ओरिजिनल मिलेंगे सप्लीमेंट्स ला पर। तो ऑर्डर करो पावर मास गेनर। ऑर्डर करने के दो तरीके, पहला तरीका आप भैया की तरह आ सकते हैं सप्लीमेंट्स विला। भैया आए हैं तो भैया आज तो मतलब यहीं रुकेंगे, कल जाएंगे, क्योंकि ऐसे अब जाने नहीं दूंगा भाई, झांसी बहुत दूर है, ट्रेन भी फिक्स नहीं है, तो आज तो यहीं रुकेंगे आप। या तो सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट विजिट करो, जहां पर सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट्स है, सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर, सप्लीमेंट्स वाला आगरा, सप्लीमेंट्स वाला मथुरा, सप्लीमेंट्स वाला कानपुर, सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ, सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालकाजी, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ, सप्लीमेंट्स वाला सहारनपुर, सप्लीमेंट्स वाला जयपुर, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना पंजाब, सप्लीमेंट्स वाला पलवल हरियाणा, सप्लीमेंट्स वाला गुरुग्राम हरियाणा, यहां पर आउटलेट्स अवेलेबल है। और बाकी जहां आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है वहां पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए ऊपर दिए गए नंबर पर, कॉल कीजिए नंबर्स पर और अपना ऑर्डर बुक कराइए। पावर मास गेनर इंडिया का नंबर वन मास गेनर, और सप्लीमेंट्स वाला .com विजिट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। काफी बार ये होता है भैया वीडियो पता नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा, पहली बार जो वीडियो देखता है, वरना तो आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्स लगे कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, कितने व्यूज आते हैं, क्या कह रहे हैं लोग, आपको पता लग जाएगा। इतने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स ला पर, अब सबको विश्वास है, पर हो सकता है पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, तो आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाइए अपने घर तक। ऑर्डर करो पावर मास गेनर, और बाकी भैया से फिर वादा ले लूं, भैया छोड़ दोगे ना गंदी आदत? कभी भी छोड़ देंगे भैया, जब मेरा देह बन जाएगा तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। आज से ये बंद है इनकी आदत, आपकी बंद है। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो सप्लीमेंट्स के साथ, और दुबले पतले हो घबराओ मत, पावर मास गेनर मंगाओ मोटा तगड़ा होने के लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।